मम्मी जी बोलिए। अब नानी बनने वाले, कैसा फील हो रहा? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा दिख रहा। कब जोर में ले लूं, कब उठा लूं, बल्कि है इंतजार। अब वो क्या है ना, मेरे को आदत नहीं है ना, तो मैं सो जाती हूँ एक सोहिल को और एक मम्मी को दे दे के सो जाती। तो मतलब ट्विंस होने वाले हैं, इसका मतलब क्या बात है? अच्छा हुए तो अच्छा थे ना। हाँ बिल्कुल, एक सोहिल का रहता, एक मेरे रहता, सोहिल का एक मेरे का। आप फिर नहीं को रहता? 50-50 की लगा लिए। अच्छा अगर बहन हुई तो मैं उनको 50 रुपए देती, अगर भाई हुआ तो ना मेरे को 50 रुपए देते। तो गाइस 50 रुपए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीरा जैन ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं सासू माँ के पास। कई को बोले तो उनको भी खुशखबरी देना है, उनको भी मिठाई खिलाना है और दुआयाँ लेना है। क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज मैं जा रही हूँ मेरे मायके यानी कि मेरे मम्मी के पास। उस टाइम पे एनिवर्सरी के टाइम पे मम्मी को, मतलब हम लोग खुद कंफर्मेशन नहीं थे, कभी कभी किट में जो हम लेते थोड़ा थोड़ा नहीं भी होता, तो हम लोग डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेंगे, उसके बाद घर वालों को बोलेंगे, बोल के था। ससुराल वालों को तो सब मालूम ही है और मम्मी को भी हम लोग फ़ोन करके बोल दिए, लेकिन जाके मिठाई खिला के उनके गले लग के बोलने की बात ही अलग है। तो इसीलिए आज हम लोग प्लान करें कि हम घर पर जाएंगे, तो मैं तो रेडी हो गई, बस बुरखा पहनना है। और मैं भी रेडी हो गया। अब मालूम ना भाई औरतों का तो कैसा रहता है, बोल के ज़रा मेकअप वेकअप करके वो करके ये करके ज़रा, समझ रहे ना? तो खैर अभी हम लोग जाएंगे मम्मी के पास, जाके मम्मी को भी बोलना है कि ऑल क्लियर है मसला और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अपना बेबी भी ठीक है। तो देखते हैं सासू माँ का रिएक्शन कैसा रहता है और क्या है क्या नहीं। तो वीडियो को आप स्किप मत करो, एंड तक देखो। जैसा वो व्लॉग में मज़ा आया था वैसे ही आज इसमें भी मज़ा आएगा, ठीक है? तो चलो जो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अब बारिश क्या है, सुबह में रुक गई। अब मैं बोला ज़रा आभार अलग ही दिख रही थी, तो मैं बोला ज़रा क्या है आप ये पहन लो, सर्दी सर्दी भी होती रहती, ठंडा है ज़रा, क्या है ख्याल रख लिए तो अच्छा रहता। बल्कि इनके पास भी जैकेट है, पहना बोलते हो नहीं करते, गर्म ही हो रही कहते हैं। और वैसे ये जैकेट मेरी है, देख सकते हैं आप, खाली जैकेट बोलते हैं देखो, एक सेकंड में पहन लिए निकाल के। मालूम कौन दिए जैकेट? कौन दिए क्या? मम्मी दिए सर, हमारे सासू माँ। आपके मम्मी सासू माँ दिए तो फिर मेरे मम्मी ने होते, तो आपकी चीज। अरे भाई सासू माँ दिए, आपकी चीज मेरी चीज है, मेरी चीज मेरी चीज, समझे आप? तो मैं कब बोला तुम्हारी है मेरी है, बल्कि मेरी पहन लिए बोला मैं, मेरी नक्को पहनो बोल के तो नहीं बोला ना। पहले मेरा तेरा कर रहे हो ना, पेट में बच्चा मेरे है तो बच्चा मेरा ही चेंज कर। मैं मेरा तेरा कभी कुछ करा इसने, आप ना भी देख रहे होंगे जब से मैं जो भी बोल रहा हूँ इनोज कर रहे हो, मेरा तेरा इनको बहुत आदत रहती है मालूम, मेरा तेरा करने की। आप लोग एपिसोड से मैं भी देख रहे होंगे कैसा करते हैं, जरा वो है लेकिन असल जिंदगी में वैसे नहीं है, ऐसा करते रहते, जरा नोकझोंक चलते रहती हस्बैंड वाइफ की। क्या जी? अब वो कमेंट बताएंगे कि मेरा तेरा इनो करते हैं मैं करती हूँ, कौन से कमेंट? हाँ अगर बच्चियाँ करे तो पक्का समझ जाती हूँ मैं। नहीं बच्चियाँ नहीं करते, हो गया मेरा क्या है बोल के खत्म है, शादी हो गई हो गई, जो भी है इन्हीं से। मैडम बोले तो बहुत ज्यादा चीज नहीं बोलता मैं, कहीं को बोले इतनी फिकर, इतनी फिकर एक ही है बस जो भी है। देखो बाल सफेद हो जा रहे, लोगों के धूप में होते हैं, इनके ठंड काले में हो जा रहे हैं, वही बोल रहा हूँ उम्र हो गई क्या है, खत्म हो, बच्चा भी हो रहा अब कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी टाइम हो रहा देंगे, देखो मम्मी से मिल रहे हैं। क्या नहीं, मैं कोई भी कहीं भी नहीं जा रहे। क्या कहीं को एक महीने जा रहे? 10 दिन के वास्ते जा रही हूँ मैं। जा रहे हैं शाम में आ जाते। नहीं बा नहीं, मैं तो रह रही हूँ। नहीं नहीं जा रहे तो जान को क्या। हाँ आपको क्या है, आप बोल देते जाओ बोल के, हम याद करते रहते उनको, यहाँ पे नहीं होता। अच्छा याद करते रहते बोले तो हम नहीं है क्या? निकालो निकालो, चलो जी जाएंगे, टाइम हो रहा जल्दी जा क्या ना। मम्मी नहीं छोड़ के आ जाना, मम्मी को बोल दी देखो 10 दिन के वास्ते जा रही हूँ बोल के। नहीं जा रहे कहीं भी 10 दिन के वास्ते, जब जाते शाम में आ जाते। तो हमारे माई जो है ट्यूशन को जाने की तैयारी कर रहे, या घर के सामने से चले जाते ट्यूशन को, जाके अच्छा पढ़ना माई। हाँ चलो जी जाएंगे, बहुत टाइम हो रहा है, पहले यहाँ पर बोल के चलो, मैं 10 दिन के बाद ले लेके आ रहा हूँ। हाँ मैं तुम्हारे 10 दिन के वास्ते ले लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे को छोड़ के भी आ जाना। हाँ आपको छोड़ दे के भी आ जा रहा हूँ, चलो कभी भी ना फ्रेंड्स में ऐसा बोल के मतलब जाती हूँ ना, तो सोहेल मेरे को कभी भी नहीं छोड़ते। एक आध बार छोड़ दिए तो मम्मी मेरे को फोन करके बोलते समीरा क्या हुआ, समीरा मेरा बच्चा कुछ भी खा रहा नहीं, सच में रूम में नहीं मम्मी भूख नहीं है, नहीं मम्मी
भूख नहीं लग रही ऐसा बोलते बेटे। फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताओ आप लोग सही है या गलत है, मायके में छोड़ना ना एक दो दिन तो मेरी बेबी को। नहीं हमारे मियाँ क्या करते, बराबर मेरे साथ रहते और मेरे को जैसा लेके जाते वैसे चलाते, मगर अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा ठीक है चलो। और इसको सपना को समझो, मोहब्बत है, केयरिंग है, कहीं मैं तो सीधे काम करती हूँ। चलो थैंक यू, हो गया। मेरे से ज्यादा इनको जल्दी दिख रही मिठाई खिलाने की। हाँ कहीं हाँ जी, वो टाइम देखो अब रात हो रही फिर अंधेरा हो जाता, फिर बारिश के भी आने के असरात है, तो दिल्ली चले गए तो अच्छा रहता। जाके आते हैं मम्मी, खाली बोलने का रहता ऐसा बोले तो उठते, समझ रहे ना। फिर वहाँ पे जाके क्या है, ले लेके आ जाने की रहती, वो भी कैसा आते वो भी हमारे मालूम है। मालूम ना अपन हैदराबाद ही चलते रहता है, सब बोलने के ले लेके जाना। बीवियों से झूठने तो किससे झूठ बोलते। क्या बात जी, अपने बोलते मोटा हजारों में ही सीढ़ियों से जाएंगे बोल के। अब मैं तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना उतरना बोल के बोले, आप ही बोले। आप चले जाना था लिफ्ट से, तुम सीढ़ियों से आओ बोलना था। अंदर बोल के आप खुद आए भाई, आप ही बोलते हैं पतले हो जाते हैं। आप कट करते जा रहे हैं, मैं गैबत नहीं आ रही हूँ, गैबत बताती हूँ। वो तो देखेंगे ना, वैसे भी आप अपने मुंह से सच को बोल लिए थे, वहाँ गैबत आ रही हूँ मैं बोलते। मुंह से जो पहले निकलता वही सच रहता। क्या दोस्तों मालूम ना, मुंह से जो पहले निकलता वही सच रहता। बैठो जी, मेरे को छोड़ के आ जा रहे ना। हाँ छोड़ के आ रहा हूँ मैं आपको, छोड़ के आ रहा हूँ। बैठो। सो बैठ गई मैं गाड़ी पे, जा रही हूँ इनके साथ। देखो लेके भी आता हूँ मेरी जान ऐसी, देखो वो भी आ जाती हूँ मैं। अब तो आ जाती हूँ मैं, बाद में देखो इनका कैसा करती हूँ। जन्नत दिखाती हूँ तुमको, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। चलो बोल रहे, देख रहे ट्रैफिक कैसी है। मम्मी की बहुत याद आ रही थी सर। अरे एक हफ्ता ही छोड़ा नहीं, क्या क्या है क्या लिए जी। फाइनली दोस्तों सासू मॉम के घर को पहुंच गए हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे देखो जो आ रहे हैं। तो चलो हम लोग क्या है ऊपर जाके सासू मॉम को खुशखबरी देने वाले, मिठाई भी ले ली अपन। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली आ गए मम्मी के घर और मम्मी हम लोग आ रहे बोल के चिकन बिरयानी बना रहे, जो कि मेरी फेवरेट है। और मेरे को बाहर की बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद आती, मम्मी के हाथ की बहुत ही टेस्टी रहती, तो इसलिए मैं मम्मी के हाथ की ज़्यादा खाती। तो मम्मी खुशी में बिरयानी बना रही, तो मैं सोची कि जब तक आप लोगों से बातचीत कर लूँ और उसके बाद यूँ देखो यहाँ पर आते कि जैसे हो जाते। अब इनको दिमाग में खटक रहा, कहाँ मेरे को छोड़ देते कि घर को जाओ बोलते कि कहाँ रह जाते कि, ऐसा कुछ चल रहा नहीं माइंड में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, फ्री माइंड है पर मेरे को मालूम तुम चलते ही चलते बोल। कुछ बोल रहे थे आप, वो कैसा भी चलना ही चाहिए आपको, उतना टेंशन नहीं लेते अपन वो चीज़ की। उनसे कई की टेंशन है, मेरे को तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही। कई की भी टेंशन नहीं है, मम्मी बिरयानी बना रहे तो खुशबू आ रही, तो उससे जरा सुस्त हो गया मैं वो सुन के। अब खाए तक नियत नहीं बढ़ती, बोलो भूख लग रही है अब क्या करूँ। बस थोड़ी देर मम्मी ऑलमोस्ट तो पका दिए, बस थोड़ी देर में हम लोग खाने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं मेरे घर आई और ये जो मेरा रूम है, मैं यहाँ पर सोती थी, अकेली रहती थी, तो मेरे को आते कि थोड़ा यादें आ जाती, क्योंकि मैं बहुत उससे अपना रूम डेकोरेट करी थी जैसे कि देख रहे हैं आप सभी। तो बस ये बोलते क्या बोलते जी, हम क्या बोलते कि रूम मेरा नहीं है कहते, छोड़ देना कहते, जो भी है घर बार आपका सो वहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नहीं है ना, शादी से पहले था, अब तो वही रूम इनका रूम है, तो मैं बोला उसकी डेकोरेशन कर लो जैसा करना है। अब जितना मेरे से हो सकता था मैं कर लिया, बाकी का तो फर्नीचर से ही हो गया डेकोरेशन, और जो भी है जरा खुद से कर लो, जैसा यहाँ लिख लिए वहाँ लिख दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या के लिख दिए, पता नहीं क्या क्या के लिख दिए। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखी, आप लोगों ने बताओ मैं जो यहाँ पर लिखी वो गलत लिखी क्या। मैं जब भी नींद में से उठती थी तो बस ये थॉट को देखती थी, ये देख के ना मेरे को एक क्या बोलते एनर्जी टाइप आ जाती थी कि अरे हाँ मेरे को ये करना है। तो देखो आप लोग भी देखिए, आप लोग भी वर्क हार्ड, गिव योर बेस्ट, यू कैन डू दिस, सक्सेस इज अर्न, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, never give up, focus, do what you love, what you do,
स्टे हम्बल, ये थॉट गलत है क्या आप लोग? हाँ बोल रहा देखिए आप लोग, ये कितना अच्छा थॉट था वो एक्चुअली ना, मेरे को थोड़ा सा दम चढ़ रहा, पता नहीं क्यों सीढ़ियाँ चढ़ूँ या कुछ ज़्यादा बात करूँ तो ऐसा लग रहा कि सांस मेरी रुक रही, जैसा थोड़े से अजीब अजीब सिम्टम्स टाइप हो रहे। एक्चुअली वो मेरे बच्चे के सिम्टम्स है, तो होता थोड़ा प्रेगनेंसी में, उठना जरूरी है। नहीं प्रेगनेंसी में होता, मैं कही कहूँ तुम्हारे आजू बाजू अगल बगल में अब चले और कभी कभी आपको क्या बोलते थोड़ा अंधेरी आ रही है, चक्कर आ रही बोल के बोल रहे ना, तो उस वजह से मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ यहाँ पे। मेरी बहना है, भांजे भांजिया पूरे जने हैं, वो अपने आप में रहते हैं, उन लोगों को भी उनकी जिंदगी लगी हुई है फोनों में, उसमें अपना सब अपना अपना रहता है भाई। अब आप मेरे को जो मेरी जिंदगी लगी हुई है, समझ रहे ना। अच्छा मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ, और सॉरी जाओ नहीं बाहर बैठो, मैं इधर आराम कर लेती हूँ। अच्छा दम हो रहा खाना, जब तक हो जाता मम्मी दस्तरीज बिछारे, जब तक आप हाथ मुंह धो लो। आए हाय करंट चले गया, एक तो यहाँ पे भूख लग के जान जा रही, ऊपर से करंट भी गया, करंट बिना लाइट के खाना खाना पड़ता। अब खा लो, क्या करते तुम्हारे को भूख लग रही ना, मैं लाइट आए बाद में खा लेती हूँ। तो अब मैं टॉस डाल के खाता हूँ, तुम टॉस पकड़ना मैं खाता हूँ, ठीक है? हाँ चलो जी उठो, लाइट नहीं दिखता वैसे भी। तो हम लोग मम्मी के पास आए भी और बिरयानी भी खा लिए, जब से करंट नहीं था यहाँ पर बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, इसीलिए वो चीज कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन ये हमारे जो गोल कैमरे को देख के साइलेंट हो जाते हैं इनके जैसा, नहीं थोड़ा मेरे जैसा है। बाबू बोलो, बाबू बाबू बोलो, बोलो बाबू। टेंगे 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 करो एक बार टेंगे। हमारे जो गोलू है पुष्पा सॉन्ग तौबा तौबा ये सब चीजों पे तो ऐसा करते जैसे कि इनको कभी सिखाए जैसा करते। नेबू करण गया लेकिन सोहेल में इतने बोटियां पूरी बता दी है यहाँ पर, और देखो नेखा जैसा बैठे हुए आराम से। काई कुछ उठे बातें कर रहे हो, तुम ही खा के उठे ना अभी। अम्मा मैं खाई नहीं, देखो मैं ये जगह पे बैठी थी, कुछ भी नहीं है। ये जगह देखो और ये जगह देखो आप लोग। वैसे हमारे असद बाबा भी खा रहे हैं, समरीन खा रहे हैं और हमारे अमरीन खा रहे हैं, परिन को खा लिए। सही सही बोलो दोस्तों, जहाँ बैठे वही डालते हड्डिया या बालू डालते, उनके छे वो झूठ तुम नक्को बोलो। तो हमारे गोलू जा रहे हैं, गोलू पप्पू दे रहे इधर कहते करो पप्पू अब्बू शीशी भूल गए जी तुम। हेलो तो अब्बू जा रहे हैं उनके मम्मी के पास, टाटा बोलो अब्बू, टाटा बाय। खा लिए ना खाना? अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए ना खाना? हां खा लिए जी। तो जाओ घर को। दीदी डैडी अब मैं मेरे घर में हूँ, मेरा राज चलता। खाना तो खा लिए लेकिन सही में अम्मा फाइनल, इसके बाद मैं सुकून से अपने रूम में सो सकती हूँ बिना डिस्टर्बेंस के। नहीं ना कुछ भी जा दे रही हूँ मैं, हमारे रूम की बात कर रही हूँ। जी जी नहीं गलत बात। फाइनली खाना खा लिए हम लोग और करंट भी आ गया, तो सोचे कि चलो हमारे गोलू भी चले गए, लेकिन गोलू रहते तो अच्छा रहता था, गोलू को गुलाब जामुन खिलाते थे। तो सोहेल पैकिंग खोल रहे हैं गुलाब जामुन की, मम्मी की तबीयत खराब है हमारे, तो मीठा उठा मिठाई उठी नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए क्या है उनके फेवरेट गुलाब जामुन ला दिए। गुलाब जामुन भी नहीं खाते कहते मम्मी घर पर। वो अब भी मालूम हुआ, मैं बोला मेरे को खिला दो मम्मी आप खाए जैसे। तो चलो गुलाब जामुन खाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग भी आओ गुलाब जामुन खाने के वास्ते, खाएंगे आओ। मम्मी थोड़ा तो भी खाओ ना जी गुलाब जामुन, थोड़ा तो खाना पड़ता है, थोड़ा मैं खिला देता हूं। अरे मेरे को खिलाते कहते हो? हां खा लो, मम्मी नहीं खा रहे ना आप खा लो। थोड़ा ही खिलाओ मम्मी, दादा ना को खिलाओ, मोटे हो जा रहे हो ना, सब जने बोल रहे मेरे को सासकन जाके मोटे हो जा रहे बोल के। अरे अभी नहीं कहते सास खिला के मोटा कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। बस से चलो बच्चे लोग, मेरे को नहीं खिलाते। हेलो जी मम्मी मेरे को तो खिला दी, मुँह मिठा हो गया, अब ये तुम्हारा भी मुँह मिठा।
तो मम्मी तो खाली है जो है बच्चों को खिलाएंगे समीरा। आओ जल्दी, खुश नहीं है तुम लगा? बहुत खुश। अरे खुशी दिखाओ भाई, कहाँ है? एक खाते समीरा, आधा खाते आधा इसको पेट भर गया बिरयानी। नहीं नहीं खुश नहीं है ना, इसका मतलब आधा इसका रहे। अच्छा आधा खास वाले बहुत खुश रहते क्या? नहीं मेरे को नको। आओ अमरीन, मैं पहले लोगों को खिला देती, उसके बाद भैया को खिला। अरे क्या हुआ चेहरे उधर करके? ये हमारे फरी ने बहुत हमारे समीर के जैसा नहीं आते कैमरे में। इनको खिला भी थोड़ा छोना कर थोड़ा ही। चलो सर बाबा को खिला रहे हम अभी हो ना। बहुत मीठा, वैसे भी इनको मीठा पसंद नहीं है। तो असद बाबा को ना हॉस्पिटल से सीधा हम हमारे घर लेके आए थे, तब से मैं इनको संभाली। वैसे तो सारे बच्चों को हम लोग संभाले, क्या बात, ज्यादा प्यार इनको दिए हैं हम लोग। अच्छा तो अभी शादी हो जाने के बाद, शादी होने के बाद असद बाबा बोल रहे मैं इनको भूल गई बोल के। सब अच्छा। कुछ नहीं है, जब भी ना फोन करते कुछ भी होना बोले प्रेजेंट प्रेजेंट हाजिर करती हूँ मैं, करती हूँ। फिर भी ना शुक्रिया चल रहे थे असद बाबा के पास। देखो कितने जबरदस्त ड्रेसिंग मार के आ रहे बोलते। किच क्या हुआ पैर को? क्या हुआ, क्या हुआ जी पैर को? नहीं क्या बोले? ब्लॉगिंग के टाइम आवाज नहीं थे ना, उधर चले आती है चिकिर बिट्टा करते चिकिर बिट्टा। थोड़ा थोड़ा खिलाना, थोड़ा थोड़ा छिलो, पहले मोटे हो जा रहे हो ना। अरे कुछ भी ना होता, हमारे जीजू है। ये अमरीन खिला रहे हैं। चलो अब फरीन भी खिला दे रहे हैं। ये फंक्शन वालों में चलता नहीं, दावतों में ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे हिस्से का भी देखो, खाली भी मेरा के तो चलो लो दियो। नहीं दोस्तों एक्चुअली मेरे को ना नहीं खाया जा रहा आजकल कुछ भी। अच्छा ठीक है, ये लो पकड़ लो फोन। देखो दोस्तों क्या बोला मैं तुम्हें, कुछ छोड़ते कि खाते हैं ना बोल के, खाली कैमरे के सामने रहता बोलने का, नहीं जाता नहीं खाती हूँ मैं इतने बोल के। देखो कितने 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 डाल लिए, तो बोलने भी नहीं आ रहा। मैं सही कर रही हूँ, मैं खाई नहीं एक भी। अच्छा अच्छा देखो कितने कितने। हाँ तो फाइनली हमारे इंस्टा के क्वीन, इंस्टा पे आईडी है इनकी, चाय वो बनाते रहते हैं, फूड बनाते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चाय बनाते हैं हमारे समरीन। देखो किरा खाली दिखने में कैसी दिख रही, अब खाली करके पीता हूँ खाली। अब और जी चाय पियो समूह, चाय पी रहे अब समूह का। समूह की चाय तो बंद हो गई, कहीं के वो तो समूह की बहुत फेवरेट थी, अब मैं पीता हूँ मजे लेके। अरे नहीं पीना जी, नहीं पीते, अरे नहीं पीते प्रेग्नेंट में रहके। अरे पीना तो एक दो घुट क्या होता, कुछ भी नहीं होता, एक दो घुट बस चलता। सलमान में पीरों से देख के उनको तलब उड़ गई। ओ मम्मी जी बोलिए, अब नानी बनने वाले, कैसा फील हो रहा? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा दिख रहा, कब जल्द में ले लूं, कब उठा लूं मैं के हैं इंतजार। अरे मम्मी को साथ साथ है मम्मी को, फिर भी नियत नहीं है। देखो भरी नियत, मतलब नियत ने भरी मम्मी की, नियत ने भरी। क्या बात है, बच्चे बच्चे छोटे ना। चलो अब पहला पहला नहीं छोटा, आखिरी आखिरी छोटा, बीच वाला बीच वाला छोटा, वो तो बात सही है। फिर देखो तो बहुत खुशी है बोला। हां बहुत खुशी है, कब जाने ना कब करना, वो वही खावा दिख रहे, वही टीम में वही दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात, क्या करें। तो दोस्तों सच्ची वजह, बिल्कुल बिल्कुल आमीन आमीन। तो दोस्तों हमारे मम्मी की तबीयत खराब है, तो आप लोग भी दुआ करो कि इनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए और बहुत सेक्सी मन हो जाए। मेरा बच्चा बाहर आने तक मम्मी एकदम फिट एंड फाइन हो जाए, पूरा मम्मी देख ली और मैं आराम से सोते रहूं। देख रहे थे सब कुछ, देख रहे थे अम्मा मेरी तबीयत की, वैसे दुआ करो बस। आमीन आमीन बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं करते करते सेहतमंद हो गए तो बस सब कुछ देख लेते। देखिए दोस्तों कैसे खावान देख रहे हैं ना, मम्मी जल्दी ठीक हो जाना कहते हैं, बच्चे को मम्मी देख लेना कहते हैं। हाँ मम्मी को बहुत ज्यादा मतलब ख्वाहिश है, मतलब मम्मी मेरे को बहुत, तीनों बहनों से ज्यादा मेरे को चाहते। अच्छा अब हमारे दोनों बहना देखे तो गुस्सा हो जाएंगे, तुम लोगों को भी मालूम है मेरे को कितना ज्यादा चाहते मम्मी, तो मेरे को जितना ज्यादा चाहते मेरे बच्चों को भी उतना ज्यादा चाहते। तो अब वो क्या है ना, मेरे को आदत नहीं है ना, तो मैं सो जाती हूँ एक सोहेल को और एक मम्मी को दे दे के सो जाती। तो मतलब ट्विंस होने वाले हैं इसका मतलब, क्या बात है। मतलब मेरे मुंह से एक बार इनको देती हूँ एक बार उनको देती हूँ, ऐसा अच्छा, ऐसा बोले मतलब की फर्जी है, ट्विंस होते की वंस होते की
त्रिंस होती तो आपको ट्विंस होना त्रिंस होना अल्लाह जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करती हूँ। अच्छा तो मम्मी ट्विंस होना त्रिंस होना वही की बस है फिर आपके आपके बेटी दो मेरी बच्ची को तकलीफ ना वो बोल रहे ना वैसा निकल गया उनके मुंह से। अच्छा अच्छा हुए तो अच्छा चाहे ना। हाँ बिल्कुल एक सोयर का रहता है एक मेरे का रहता सोयर का मेरे का एक मेरे का नहीं आपका नहीं को रहता आई नहीं हमारे नहीं थे आई नहीं वो थोड़ी देर कैसे ला लेते हैं मसला नहीं है वैसा नहीं करते। अच्छा कुछ बोल रहे थे तुम एक रख लेना कुछ बोल रहे थे नहीं बहनों ना बहनों बोली अगर भाई हुआ तो हमला पूरे 100-100 रुपए बहन हुई तो 50-50 रुपए। आप क्या कर रहे भैया भैया भाई छोड़ा हम लोग को अच्छा मैं असद के 50-50 की लगा लिए। अच्छा अगर बहन हुई तो मैं उनको 50 रुपए देती अगर भाई हुआ तो ना मेरे को 50 रुपए देते। क्या बोल रहे थे आप देखो मेरा बच्चा अभी से आया नहीं यहाँ पर 50-50 200 की शर्त लग रहे कहते बेटी भी का 50 कहते बेटा आता 100 कहते ऐसे यहाँ पर दो वोट बेटे के लिए गिरे दो वोट बेटी के लिए गिरे। अब हमारे असद बाबा से पूछना इनको बेटा होना या बेटी होना। असद बाबा मैं बोलती भी बेटी इन्हों बेटा ही बोले असद बाबा बेटा होगा 50 रुपए 50-50 की शर्त लगाए कहते ना कई के वास्ते लगाए बेटा बेटी के तुमको क्या होना बेटा तुम तो छोटे हो ना भाई होना छोटा भैया होना भैया हो तो तुम उनको 100 रुपए देते देखो दोस्तों ऐसा चल रहा है यहाँ पर। खैर इनोज बोलते हमारे को अब क्या करेंगे हमारे हम माँ कुछ रहते बोलते नहीं करना पड़ता मम्मी को ज्यादा ख्वाहिश थी हमारे शादी हुई जब से लग रहे थे कब 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 बोल के अब जरा दे दी तो तबीयत भी जरा ठीक हो जाती मम्मी की। तो गाइस 50 रुपए। तो दोस्तों आखिर को हम जंग जीत गए। क्या बोला मैं आपको ले लेके जाता हूँ बोला मैं ले लेके जाता हूँ बोला देख रहे ना आप बुरका पहन ले रहे। तो गाइस 50 रुपए। तो देख रहे ना दोस्तों अपन जीत गए। चलो खाली बोलने का रहता हो समझ रहे ना। चलो जल्दी पहन लो नीचे जल्दी बाइक तैयार कर रहा हूँ कुछ भी और कुछ भी नहीं बोले खामोश घर को चलो बोले चल रहे। तो फाइनली रेडी होके भी आ गए अच्छे बच्चे ऐसा हो जाओ रेडी बोले तो देखो मम्मी बैठे हैं। अरे वाह क्या सूटर पहन रहे कौन सा है हमारे अम्मी दिलाए थे मेरे को। अम्मी दिलाए थे आपके क्या बात है अच्छा और मेरे को भी दिलाए थे मालूम सासू माँ पहन लो फिर जल्दी बता रहा हूँ ये हमारे सासू माँ दिलाए सर कैसे कमेंट करके बताओ किसका अच्छा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कमेंट करना है आप लोगों को किसका अच्छा दिख रहा होगा समझे ना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हमारे घर की तरफ तो आप लोग वीडियो को देखते रहो स्किप मत करो एंड तक देखना जाते जाते लड़ने वाली हूँ उनसे मैं गाड़ी पे किटकिट करते हुए चलती वो तो बाहर मालूम होता समझ रहे ना बोलते रहते हो ना अब ठंड होते रहती है आवाज तो नहीं आती नहीं। अच्छा हमारे असद साहब कुछ बोल रहे हैं लास्ट में लाइक सब्सक्राइब भी करो ऐसा वीडियो देख के ना को जाओ। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना कहते हैं ऐसी जाना हाँ मैं भी वही बोल रही थी ऐसी जाना और मेरे को आप सभी को ये बोलना था कि मेरे को क्या है ना 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गई 2 लाख की हमारी फैमिली हो गई तो मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द 1 मिलियन की फैमिली हो जाए। तो जिस किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारी फैमिली के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी सब्सक्राइब लाइक और 1 मिलियन अपने को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है तो दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो फाइनली मम्मी लोग मिल रहे अलविदा का क्या बात है मम्मी के लिए दुआ करो मेरे लिए और हमारे वाइफ के लिए भी दुआ करो बस है सुकून दिखता ले लो फिर सुकून को बिठा लो गाड़ी पे चले जाएंगे छोड़ के जाओ बोल के बिठा लो वहाँ ले लेके जाएंगे भाई कब तक अब आरिश ने मम्मी घर को बोले तो चैनल को 1 मिलियन तक लेके जाना है तो क्या करना सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो गाइस 50 रुपए।